ताकि हमको सबका साथ सबका विकास करते हुए, मैं दावे से इस मंच से कहता हूँ, किसी दूसरी पार्टी की न नीति अच्छी है और न नियत ही अच्छी है। हम अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित वर्ग की अगर त्रिवेणी अगर कोई है वो भारतीय जनता पार्टी है, और इस त्रिवेणी को ऐसे आगे बढ़ाने का काम करना है कि मैं अगर सरिता अग्रवाल जी को कहूँ कि आज से लेकर के और 4 तारीख 3 तारीख की रात तक सभी घरों तक पहुँच जाए, पहुँच सकती हैं क्या? पहुँच सकती हैं? दोनों हाथ में बोला, पहुँच सकती हैं? नहीं पहुंच सकती। और आज 1 मई मजदूर दिवस है, मजदूर दिवस के अवसर पर श्रम जिनकी श्रम की ताकत से इस राष्ट्र का निर्माण हुआ है, ऐसे दिन मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा, हमारी सरिता जी हो या हमारे अन्य प्रत्याशी हो, यहाँ से जो कार्यकर्ता आया जो नहीं आया है उन तक भी मेरा संदेश पहुंचाना, 2 दिन का समय कमर खिलाने के लिए दिन रात प्रत्याशी की तरह मेहनत करके इतने भारी अंतर से कमर खिला दीजिए कि जो 2022 की पराजय है उसको 2023 की विजय से 2024 की विजय का शंखनाद कर दीजिए। या मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है आप सब ने मुझे बुलाया था, मुझे लग रहा था मैं हाजिरी नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रयागराज में आएंगे, मुझे वहां पर भी रहना और बाकी जिलों के दौरे लगे हुए हैं, लेकिन कम समय में भी आपका सबका दर्शन मुझे मिला। मैं आप सबसे वोट के रूप में कर्ज मांग करके जा रहा हूं, यद्यपि जनपद के अंदर इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां शक्तियां हैं जो तमाम प्रकार की योजनाएं आपके पास तक पहुंचाने का काम करेंगी, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर से आपको वादा करता हूं, पूरे गाजीपुर नगर निकायों के एक एक मतदाता को वादा करना चाहता हूं, जो योजनाएं यह शक्तिशाली सरकार चाहिए, कमजोर सरकार धारा 370 नहीं हटा सकती थी, कमजोर सरकार अयोध्या में रामलला का मंदिर नहीं बना सकती थी, कमजोर सरकार देश और प्रदेश का विकास नहीं कर सकती थी, कमजोर सरकार कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त नहीं रख सकती थी। एक मजबूत सरकार अगर आपने देश प्रदेश में देने का काम किया है तो वह मजबूत सरकार गाजीपुर नगर पालिका सहित सभी नगर निकायों में अर्थात हमारे पार्षद भी भारी संख्या में जीतने चाहिए, बिना भेदभाव के जीतना चाहिए। जब कोई चुनाव होता है तो उस समय चुनाव में फैसला देना जनता की अदालत का काम होता है, और चुनाव में फैसले को ध्यान में रखते हुए चुनाव का फैसला आप सबको देना है। आप सबके पास मैं आ तो नहीं सकता, लेकिन यहीं से आप सबके चरणों में प्रणाम करके कमल का फूल खिलाने के लिए आशीर्वाद मांगता हुआ अपनी वाणी को देता हूँ विराम। बोलिए जय जय श्री राम।